पिछले वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से। इस वीडियो में हम उसी एग्जांपल को वापस लेकर देखेंगे शॉर्टकट मेथड से हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले मैं बता देती हूँ शॉर्टकट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होगा हमारा। तो एक्स बार का फॉर्मूला यदि आपने शॉर्ट मेथड से किया है डिस्क्रीट सीरीज में, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पर वो ए का मतलब वही हो जाएगा जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में था, अज्यूम्ड मीन यानी काल्पनिक माध्य, आपके मन से सोची गई कोई वैल्यू। डी एक्स यहाँ पर सेम वैसे ही निकलेगा, एक्स में से अज्यूम मीन को घटाकर उसके बाद हम उसको एफ से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा एफ डी एक्स आ जाएगा। उसका टोटल जो है वो सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ डी एक्स यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोटल ऑफ एफ इंटू डी एक्स, और एन का मतलब यहाँ पर वही रहेगा ही हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो यहाँ पे फार्मूला है। तो सबसे पहले हम मन से कोई एक वैल्यू अज्यूम करेंगे जो हमारा काल्पनिक माध्य होगा, उसको हम एक्स में से घटाएंगे तो हमारा डी एक्स आ जाएगा, फिर डी एक्स को हमको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल करना है। तो सेम एग्जांपल जो हमने पिछले वीडियो में लिया था वही मैं वहाँ पर वापस ले रही हूँ। यहाँ पर वही आपका 35-40 हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 4.5 हमारा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक्स लिख लेते हैं, एक्स है हमारा 4.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 35, एक्स है हमारा 5.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 40, एक्स है हमारा 6.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 48, एक्स है हमारा 7.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100, फिर एक्स है हमारा 8.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 125, ये है हमारा 9.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 87, एक है हमारा 10.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 43 एंड 11.5 जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 20। टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी का वही आ जाएगा 500 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एन। अब पहले हम यहाँ पे डी एक्स निकालेंगे। डी एक्स निकालने से पहले मुझे एक वैल्यू सोचनी है अज्यूम मीन, तो यहाँ पर ए, वैसे तो आप कोई भी वैल्यू ले लें उससे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अब कोशिश करनी है कि ऐसा वैल्यू लें जो हमारे क्वेश्चन को आसान कर दे। तो ये यदि हम लगभग मिड की वैल्यू लेते हैं, मध्य का कोई मूल्य लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आसान हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर चूँकि हमारे इवन है, तो यहाँ पे अज्यूम मीन आप 7.5 भी ले सकते हैं और चाहे तो अज्यूम मीन आप 8.5 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अज्यूम मीन ले रही हूँ 8.5। डी एक्स एक्स में से ए यानी 8.5 घटा देंगे तो 4.5 में से 8.5 घटाने पे आ जाएगा हमारा -4, 5.5 में से 8.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा -3 क्योंकि वैल्यूज छोटी हैं, अज्यूम मीन हमारा बड़ा है। 6.5 में से घटाएंगे 8.5 हमारा आ जाएगा -2, 7.5 में से घटाएंगे 8.5 हमारा आ जाएगा -1, 8.5 में से 8.5 घटाएंगे हमारा आ जाएगा 0, 9.5 में से घटाएंगे 8.5 अब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव +1 आएगा क्योंकि 9.5 हमारा बड़ा है, 8.5 हमारा छोटा है। 10.5 में से घटाएंगे 8.5 हमारा आ जाएगा +2 और ये आ जाएगा हमारा +3। यानी पहले मैंने मन से वैल्यू सोची है 8.5, इसको मैंने एक्स में से लेस किया तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स। अब फार्मूले के लिए हमको चाहिए एफ डी एक्स, क्योंकि मैंने फार्मूला बताया था। यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो डी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम एफ से, तो आप देखिए 4.5 को 35 से मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आसान रहेगा 35 को 4 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -140 -120, 48 इंटू 2 हमारा आ जाएगा -96। चिन्हों का ध्यान रखना है, जो चिन्ह माइनस के हैं वो माइनस के ही आएंगे क्योंकि एक संख्या हमारी पॉजिटिव एक संख्या हमारी नेगेटिव है। ऐसे -100 इंटू 1 हमारा आ जाएगा -100, 0 से गुणा करने पर हमारा 0 आ जाएगा। 87 इंटू 1 ये आ जाएगा +87, 43 इंटू 2 ये हमारा आ जाएगा +86 और 22 इंटू 3 आ जाएगा हमारा +66। अब यहाँ पे प्लस को अलग ऐड करना है आपको, माइनस को अलग ऐड करना है। तो माइनस को ऐड करने पर यहाँ पर आ रहा है आपका -456 और प्लस की वैल्यू आ रही है हमारी +239। अब जब आप सिग्मा एफ डी एक्स निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में एक चिन्ह आपका माइनस का एक प्लस का, ये आपस में दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और नीचे चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है यानी -456 है और +239 है,
तो सिग्मा एफ डी एक्स हमारा माइनस में आएगा 456 प्लस 239, तो ये आ जाएगा माइनस 217। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अज्यूमिंग मैंने लिया है 8.5 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स आ रहा है हमारा माइनस 217। अब यहाँ ध्यान रखना है, चिन्ह आपको सावधानी से लिखना है, यहाँ पे माइनस 217 है तो माइनस 217 अलग से लिखा जाएगा, एन है हमारा 500। तो पहले हम इस हिस्से को सॉल्व करेंगे, फिर हमें इसमें प्लस करना है। तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, यहाँ पर चिन्ह माइनस का, तो फाइनली हमारा जो चिन्ह आएगा वो माइनस का आएगा। तो 8.5 माइनस 0.43, तो आंसर हमारा आ जाएगा 8.07। तो यहाँ पे हमने 8.5 लेने की वजह से हमारी वैल्यू नेगेटिव बढ़ी आ रही है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि अंदर ब्रैकेट में माइनस है बाहर प्लस है, तो फाइनली साइन हमारा माइनस का आएगा और लेस करके हमारा आंसर आ जाएगा 8.07। 8.5 के अलावा आप कुछ और वैल्यू 7.5 या कुछ और भी लेते हैं तो भी हमारा आंसर 8.07 ही आना चाहिए। तो ये तरीका है हमारा डायरेक्ट से करने का और शॉर्टकट से करने का। शॉर्टकट को एक बार वापस से मैं रिवाइज़ करा देती हूँ आपको, कि डायरेक्ट में तो हमने सिंपल f को x से मल्टीप्लाई करके fx निकाला था, जो कि शॉर्टकट के लिए पहले हम एक वैल्यू मन से सोचेंगे, वो हमारी होगी a, अज्यूम मीन। इस अज्यूम मीन को हम x में से लेस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा dx, dx को हम इंटू करेंगे f से तो हमारा निकलेगा fdx, fdx का टोटल निकालना है, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालना है, इन दोनों को हमको फॉर्मूले में पुट करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन यानी x बार का।